दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के बारे में। इस वीडियो में माधुरी दीक्षित के लाइफस्टाइल, बायोग्राफी, फैमिली, इनकम, एज, हाउस, एजुकेशन, हस्बैंड, सन, कान कलेक्शन एंड नेटवर्क के बारे में जानेंगे, तो अब इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं माधुरी दीक्षित के बायोग्राफी के बारे में। माधुरी दीक्षित का रियल नेम माधुरी शंकर दीक्षित नेने और निकनेम बाबली और ठक ठक गर्ल। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और 2022 के हिसाब से इनके एज 55 ईयर्स। माधुरी प्रोफेशन से एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर है। दोस्तों माधुरी दीक्षित नेशनलिटी से इंडियन और रिलीजन से हिंदू है। दोस्तों माधुरी ने अपने स्कूल की पढ़ाई डिवाइन साइन हाई स्कूल मुंबई से की है और अपने कॉलेज की पढ़ाई सताई कॉलेज मुंबई से की। माधुरी की एजुकेशन कॉलेज डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी। चलिए दोस्तों आप बात करते हैं माधुरी दीक्षित के करियर के बारे में। तो दोस्तों माधुरी ने अपनी करियर की शुरुआत 1984 में आई बॉलीवुड मूवी अबूत से की थी, लेकिन ये फिल्म बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही फ्लॉप हो गई। इसके बाद 1985 में इनकी एक और मूवी रिलीज हुई जिस मूवी का नाम था आवारा बाप, लेकिन ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। दोस्तों इसके बाद 1988 में माधुरी का करियर का टर्निंग पॉइंट आया जब माधुरी को अनिल कपूर के साथ तेजाब मूवी में काम करने का मौका मिला, जिसमें माधुरी दीक्षित मोहिनी का किरदार निभाया था और ये मूवी रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। और फिर इसके बाद माधुरी दीक्षित ने काफ़ी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिल्म पर फिल्म करते चली गई। और फिर 1989 में माधुरी दीक्षित ने लगातार 4 फिल्मों में काम किया जिन फिल्मों के नाम है राम लखन, परिंदा, त्रिदेव एंड प्रेम प्रतिज्ञा। साल 2002 में माधुरी दीक्षित ने शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ देवदास मूवी में नजर आई और इस मूवी के वजह से माधुरी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों माधुरी ने अपने करियर में कई सारे सुपरहिट मूवी दिए हैं, जिनमें से कुछ फिल्मों के नाम है दिल साजन, हम आपके कौन, दिल तो पागल है, अंजाम, खलनायक और कला और भी बहुत सारे। दोस्तों माधुरी दीक्षित ने फिल्मों के अलावा एज ए जार्ज की तौर पर भी कई शो के जार्ज भी किए हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं माधुरी की कौन सी फिल्म बाकी पसंद है। अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित के फैमिली के बारे में। तो इनके फादर के नाम शंकर दीक्षित, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, और इनके मदर के नाम स्नेहलता दीक्षित, और इनके दो सिस्टर भी है जिनका नाम रूपा दीक्षित और भारती दीक्षित, और इनके एक ब्रदर भी है जिनका नाम अजित दीक्षित। दोस्तों माधुरी ने 1999 में श्रीराम माधव नेने से शादी की और इनके दो बच्चे भी है, दोनों बेटे ही है। इनके बेटे का नाम रियन नेने और आरिन नेने। अब बात करते हैं इनके हाउस के बारे में। तो दोस्तों माधुरी दीक्षित अपने फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र में रहती है और इन पिक्चर में देख सकते हैं इनके हाउस के कुछ झलक। अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित की कार कलेक्शन के बारे में। इनके पास फास्ट कार है मर्सिडीज मेबैक S560 जिसकी प्राइस है 2 करोड़ रुपये, और इनके पास है मर्सिडीज एस क्लास जिसकी प्राइस है 1.40 करोड़ रुपये। इनके पास है मर्सिडीज बेंज GLS 350D जिसकी प्राइस है 90 लाख रुपये, और इनके पास है रेंज रोवर फोक जिसकी प्राइस है 1.90 करोड़ रुपये। अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित के इनकम के बारे में। तो दोस्तों माधुरी दीक्षित किसी भी मूवी में काम करने के लिए 4 से 5 करोड़ रुपये चार्ज करती है और किसी भी रियलिटी शो पर एपिसोड के लिए 1 से 2 करोड़ रुपये चार्ज करती है। अगर बात करें माधुरी दीक्षित के नेटवर्क के बारे में, तो दोस्तों इनका नेटवर्क 250 करोड़ रुपये। ये थी माधुरी दीक्षित का लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप माधुरी दीक्षित का फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे।